उसे बोलते हैं फैक्टर्स। तो एग्जांपल देखते हैं, 54 डिवाइडेड बाय 9, 9 को हम 54 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 54 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 को 16 करते हैं तब हमारा आंसर होता है 54। तो रिमाइंडर हो गया 00, मतलब हम बोल सकते हैं कि 9 जो है वो फैक्टर है 54 का, मतलब 9 जो है वो डिवीजर है और 54 जो है वो डिविडेंड है। तो वी कैन से 9 इज अ फैक्टर ऑफ 54, बिकॉज 54 को 9 से डिवाइड किया तो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया रिमाइंडर को बचाए बिना, तो वो हो गया उसका फैक्टर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इज 19 अ फैक्टर ऑफ 1026। हमें पूछा है कि 1026 का फैक्टर है 19 या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1026 को 19 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 00 हो गया तो 19 उसका फैक्टर है और रिमाइंडर बच गया तो 19 उसका फैक्टर नहीं है। तो हम डिवाइड करते हैं 1026 को 19, तो 10 जो है वो छोटा है कंपेयर टू 19, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर लेने पड़ेंगे। तो 3 नंबर लेंगे और 19 के मल्टीपल में चेक करेंगे कि 102 से जो छोटा मल्टीपल होगा वो लेंगे, तो 19 × 5 होता है 95। तो अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 − 5 पॉसिबल नहीं है, तो हमें बोरो लेना पड़ेगा आगे से, तो आगे वाले के पास क्या है, 0, तो वो हमें कुछ नहीं दे सकता, तो हम उसके आगे जाएंगे, उसके आगे 1 है, तो हम उसके पास से इसके लिए बोरो लेके आएंगे, तो यहाँ पे हो गया 0, बिकॉज उसके पास 1 ही था और उसने वो दे दिया। तो अब यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे हो गया 10। अब हम 2 के लिए बोरो लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 9, तो 12 − 5 = 7 एंड 9 − 9 = 0। ओके, अब 6 नीचे आएगा तो ये हो गया 76। अब 19 × 4 करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, 76। तो 19 को 4 टाइम्स करने पे हमें मिलता है 76। सब्ट्रैक्शन करेंगे 6 − 6 = 0, 7 − 7 = 0, रिमाइंडर क्या हो गया, 00, मतलब हम बोल सकते हैं कि यस 19 इज द फैक्टर ऑफ 1026। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड इट इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर। 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है और 1 हमेशा स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है सब फैक्टर में से, मतलब कोई भी नंबर का आप फैक्टर फाइंड करो उसमें 1 जो होगा वो तो फिक्स ही होगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है, एवरी नॉन जीरो नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो कोई भी नॉन जीरो नंबर है उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। जैसे कि नंबर लेते हैं 36। अब हमें 36 के फैक्टर फाइंड करने हो तो 1 जो होगा वो एक नंबर है जो उसका फैक्टर होगा और एक होगा 36। कोई भी नंबर के दो फैक्टर तो फिक्स ही होते हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो 1 जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा और खुद नंबर इटसेल्फ जो होगा वो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा। तो यहाँ पे 1 जो है वो स्मॉलेस्ट है
और ये ग्रेटेस्ट है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है, जीरो इज नेवर फैक्टर ऑफ एनी नंबर। कभी भी जीरो किसी का फैक्टर नहीं होगा, बिकॉज डिवीजन बाय जीरो इज मीनिंगलेस। हम कभी भी नंबर को डिवाइड करते हैं जीरो से तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, इसलिए जीरो कभी भी कोई नंबर का फैक्टर नहीं होगा। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है, एवरी फैक्टर ऑफ नॉन जीरो नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मतलब कोई भी नंबर होगा उसका जो फैक्टर होगा वो उससे कम होगा या तो नंबर इटसेल्फ ही होगा, वो सबसे उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा। तो एग्जांपल देखते हैं, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 आर, 12 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। मतलब इसके जो फैक्टर्स है 12 के वो नंबर इटसेल्फ और 12 से कम ही होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 6 ये 12 से कम है और 12 नंबर इटसेल्फ। इनमें से 1 जो है वो स्मॉलेस्ट फैक्टर हुआ और 12 जो है वो ग्रेटेस्ट फैक्टर हुआ, बिकॉज 12 क्या है, नंबर इटसेल्फ। तो हमेशा कोई भी नंबर के हमारे फैक्टर्स होंगे वो जो नंबर होगा उससे कम ही होगा उसका फैक्टर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। मतलब नंबर के सभी फैक्टर्स फाइंड करने को तो उसकी मेथड क्या है वो सीखते हैं। तो वी कैन डिवाइड अ नंबर बाय काउंटिंग नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5 वन बाय वन टू नो इफ ईच ऑफ देम डिवाइड्स इट एग्जैक्टली। मतलब जो नंबर का फैक्टर हमें फाइंड करना होगा वो नंबर को हम काउंटिंग नंबर यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो सभी नंबर से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं और उसमें से ऐसे नंबर ले सकते हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। मतलब जिसका रिमाइंडर 0, 0 होगा वो उसके फैक्टर्स होगा। बट यूजुअली दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हो जाएगी वो लॉन्ग हो जाएगी। जैसे आपको 19 का फैक्टर फाइंड करना हो तो आप 1 to 19 हर एक नंबर को डिवाइड करोगे तो उसमें लंबा टाइम जाएगा, मतलब वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो उससे अच्छा वी कैन राइट ऑल मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स ऑफ द गिवन नंबर। मतलब डिवीजन करने के बजाय अपने क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिख सकते हैं गिवन नंबर का, यानी कि ऐसा टेबल फाइंड करने का जिसमें वो नंबर आ रहा हो, जो टेबल का वो मल्टीपल हो वैसा टेबल हम देख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, 36 एक नंबर है, उसका हमें फाइंड करना है फैक्टर। तो अगर हम काउंटिंग नंबर से डिवाइड करते तो हमें 1 to 36 डिवाइड करके चेक करना पड़ता कि उसके फैक्टर्स क्या है, बट वो प्रोसेस क्या है, लॉन्ग। तो हम क्या करेंगे, उसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 1 into 36 करेंगे तो हमारा आंसर होता है 36, बिकॉज कोई भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमें आंसर क्या मिलता है, नंबर इटसेल्फ। तो ये फैक्टर तो हर एक नंबर का फिक्स ही रहता है। फिर सेकंड है 2K टेबल। 2K टेबल में कहाँ पे ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को जिसका आंसर 36 हो। तो 2 को हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर होता है 36। फिर 3 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 36। तो 3 को हम अगर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम उससे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 36। मतलब 3 into 12 equals to 36। फिर 4 का ऐसा कौन सा टेबल होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 36। तो 4 into 9 equals to 36।
फोर सिक्स नाइन ट्वेल्व एटीन थर्टी सिक्स, ये सब जो है उसके फैक्टर्स है। वन मतलब जो जो नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है वो सारे उसके फैक्टर्स है। तो वन थर्टी सिक्स टू एटीन थ्री ट्वेल्व फोर नाइन एंड सिक्स, वो सारे ये सारे जो है वो इसके